सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा जिसका नाम है 2D ट्रांसफॉर्मेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स एक्सप्लोर इट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन को आप इस तरह समझिए कि कोई सा भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि वो एक ग्राफिकल फॉर्म्स में होगा, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी। तो ग्राफिकल चेंजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ग्राफिक्स के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं तो हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास तीन तरह का होता है, जिसका पहला पार्ट है ट्रांसलेशन, दूसरा पार्ट है रोटेशन और तीसरा पार्ट है स्केलिंग। तो इस वीडियो में मैं तीनों पार्ट्स को ही कवर करूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले पार्ट को, ट्रांसलेशन को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो इसमें यह लिखा है, अ ट्रांसलेशन मूव्स ऑल पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ टू द न्यू पोजिशन। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जितने भी ऑब्जेक्ट में पॉइंट है वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पाथ में चले जाएं और शिफ्ट हो जाए एक नई पोजिशन पे, तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आप इस ग्राफ में देखिए कि जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी हमारे पास शिफ्टिंग करनी है तो कोऑर्डिनेट किस कौन कौन से शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये 2D है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट शिफ्ट होगा। तो ये किस तरह होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में सारे के सारे पॉइंट हो जाए दूसरी नई लोकेशन पे शिफ्ट, तो इसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन। इसकी इक्वेशन देखें मैथमेटिकल तो वो कुछ इस तरह है कि p'x इजिकल टू px + dx और y कोऑर्डिनेट की p'y py + ty। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में मैं इसे लिखता हूँ तो इसमें एडिशन फॉर्म मैं यूज़ करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x'xy इजिकल टू xy + tx + ty, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है। ट्रांसलेशन का यही वर्क है कि एक ऑब्जेक्ट में जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पाथ में एक नई पोजीशन में शिफ्ट हो जाए तो हम उसे कह देते हैं ट्रांसलेशन। अगला हमारा है रोटेशन। रोटेशन की अगर मैं बात करूँ तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जाता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं, सर्कुलर पाथ में जाता है, एक पर्टिकुलर एंगल को लेता हुआ एक पर्टिकुलर पोजीशन से शिफ्ट होके सर्कुलर पाथ में चला जाता है। जैसे हमारे पास ये ब्लू डॉट है, ये पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी एक एंगल पे दूसरी नई पोजीशन पे, लेकिन सर्कुलर पाथ पे। डेफिनेशन की बात करूँ तो वो डेफिनेशन इस तरह है कि रोटेशन रिपोजिशन ऑल पॉइंट्स इन एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ। यानी कि वही बात आ गई, सर्कुलर पाथ पे अपना ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है। अब आप इस ब्लू डॉट को देखिए, ये चली हमारे पास और ये चल के रेड बन गई और पहुंच गई एक नई पोजीशन पे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कुछ इसे इस तरह कहेंगे कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट था जब रोटेशन परफॉर्म नहीं हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का वाई है और इस पोजीशन को हमने क्या कहा, x, y। तो हमें पता है कि अगर मैं इसका कोस फाई निकालूँ, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकालूँ, तो वो क्या लिखूँगा, कोस फाई इजिकल टू x/r और साइन फाई निकालूँ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकालूँ तो क्या लिखूँगा, साइन फाई इजिकल टू y/r। इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। x को लिख दिया मैंने r cos phi और y को लिख दिया r sin phi, ठीक है। अब मैं परफॉर्म कराता हूँ रोटेशन, ठीक, यहाँ से मेरा रोटेशन हो गया। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे phi एंगल दे दिया इसको, थीटा एंगल दे दिया इसको और पूरा का पूरा क्या हो गया, ये phi प्लस थीटा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x', यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y', तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x'y', ठीक। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, cos phi प्लस थीटा की वैल्यू और sin phi प्लस थीटा की वैल्यू, ठीक, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है, cos phi प्लस थीटा इज इक्वल टू r x' / r x' / r
x dash upon r cos phi is plus theta is equal to x dash upon r. इससे मुझे क्या मिल जाएगी, x dash की वैल्यू जो कि होगी r cos phi plus theta, और ऐसे ही करके मैं किसकी निकाल लूँगा वैल्यू, sin phi plus theta की. लेकिन इसको परफॉर्म कराने से पहले मैं क्या करूँगा, इसे एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है cos phi plus theta क्या होता है, cos phi cos theta minus sin phi sin theta. अगर आप मैथमेटिकल स्टूडेंट में अगर आपका बेस है पीछे ट्वेल्थ में, अगर आपके पास पीसीएम थी तो आपको ये आइडेंटिटी पता होगी कि कोस ए प्लस बी को हम क्या कहते थे, कोस ए कोस बी माइनस को साइन ए साइन बी. तो उसी तरह मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया है. फिर मैंने क्या देखा, यहाँ पे आर कोस फाई की वैल्यू क्या है, ऊपर एक्स, और आर साइन फाई की वैल्यू क्या है, वाई. उसी तरह एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा लिख सकता हूँ और वाई साइन थीटा लिख सकता हूँ. ऐसी मैंने साइन थीटा के साथ करा, साइन फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन आर, ठीक. और इसे साइन फाई प्लस थीटा को मैंने एक्सपेंड कर दिया. अब साइन फाई प्लस थीटा क्या होता है, कोस वाई साइन थीटा प्लस साइन फाई कोस थीटा, यानी कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ठीक है. इसी तरह इसे परफॉर्म कर दिया, वाई डैश इज इक्वल टू आर कोस वाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई कोस थीटा. अब यहाँ से आर कोस थीटा से क्या लिया, एक्स, तो रिप्रेजेंट कर दिया, और आर साइन फाई से क्या लिया, वाई, तो वाई को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक. अब क्या है यहाँ पर, एक बार मैं आपको प्रॉपर वे में दिखा देता हूँ कि मैंने करा क्या है. यहाँ से एक्स को उठाया और यहाँ पे y x की वैल्यू रख दी, y को उठाया y की वैल्यू रख दी. इसी तरह ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी यही करा, ठीक. तो अब इसका जो लास्ट टर्म आती है वो हमारे पास क्या आती है, p डैश x इज इक्वल टू पी एक्स कोस थीटा माइनस पी वाई साइन थीटा, और पी वाई डैश इज इक्वल टू पी एक्स साइन थीटा प्लस पी वाई कोस थीटा. तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, cos phi माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा. तो r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा. और हम इसे इस तरह लिख देंगे अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, p डैश इज इक्वल टू r डॉट p, जो कि प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग चलेगा. तो ये था हमारा रोटेशन. अब इसके बाद एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं स्केलिंग. स्केलिंग में क्या, अब है हमारा कॉन्सेप्ट स्केलिंग. अब स्केलिंग क्या कहता है कि हमने परफॉर्म कराना था भाई ट्रांसलेशन, हमें करना है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कोऑर्डिनेट को शिफ्ट. तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का यूज़ कर लेके हमें क्या करना है, अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को मतलब कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करना है, लेकिन करना है सर्कुलर पाथ में. तो हमने कह दिया भैया रोटेशन का मदद ले लो. लेकिन स्केलिंग हमें कहता है कि एक फिगर जो हमने रिप्रेजेंट करी है उस फिगर को बड़ा कर दो या छोटा कर दो, यानी कि किसी फिगर को हमने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज़ कर रखी है उसे बड़ा करना उसे या छोटा करना, वो काम है हमारा स्केलिंग का, ठीक है. अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है. अब या तो ट्रायंगल को बड़ा करना है या ट्रायंगल को छोटा करना है, उसकी मदद लूँगा मैं स्केलिंग की. स्केलिंग की अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ तो वो ये है, स्केलिंग चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व टू स्केल फैक्टर दैट इज एक्स एक्स और एस वाई फॉर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली. अब आप ये ट्रायंगल को देखिए, मैं सपोज इसे एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है. सबसे पहले ये ट्रायंगल है तो सिंपल सी बात है उसके तीन कोऑर्डिनेट तो होंगे ही होंगे, ठीक. अगर इसे एक्सपेंड करा तो ये कुछ इस तरह होगा, ठीक. और अगर मैं इसे स्मॉल करता हूँ तो वो किस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है. यानी कि एक्सपेंड में ऊपर जा रहा है और स्मॉल में क्या जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, और एक्सपेंड जब कर रहा हूँ तो ओरिजिन से दूर जा रहा है, ठीक है. तो ये क्या है, स्केल फैक्टर्स की मदद से मैं एक्सपेंड कर पा रहा हूँ. मैथमेटिकल टर्म में मैं कुछ इसे इस तरह लिखूँगा, पी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स एस डॉट पी एस, और वाई के लिए पी डैश वाई इज इक्वल टू एस वाई डॉट पी वाई, ठीक. और मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरह एस एक्स जीरो जीरो एस वाई, ठीक. अब आप इसमें एक जरा इंपॉर्टेंट टर्म है स्केलिंग में कि यहाँ पे लिखा है, इफ द स्केल फैक्टर आर बिटवीन जीरो एंड वन द पॉइंट विल मूव क्लोजर टू द ओरिजन
एंड द ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉलर. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा स्केल फैक्टर 0 और 1 के बीच में है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, मूव ओरिजिन की तरफ मूव करेगा. और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, स्मॉलर. ऑब्वियस सी बात है कि यार हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसा होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा. ठीक है, ये देखिए हमारे पास पॉइंट है और ये कैस की तरफ जा रहा है, सपोज स्केल फैक्टर 0 और 1 के बीच में, तो कैसा बन रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, स्मॉल बन रहा है. ब्लू जो है वो है हमारा ओरिजिनल और रेड है हमारा जो हमने स्केल फैक्टर निकाल के जो पोजीशन इसकी चेंज करी है. ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ़ द स्केल फैक्टर आर लार्जर देन 1 द पॉइंट विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड द ऑब्जेक्ट विल बी लार्जर. यानी कि अगर स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, हमारा पॉइंट मूव करेगा ओरिजिन से और स्केल क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा स्केल लार्जर हो जाएगा. जैसे ये ग्रीन वाला हमारा, ये किस में हो गया, रेड में, तो ये क्या हो गया, ब्लू से रेड, यानी कि ओरिजिन से दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लार्ज हो जाएगा. तो ये था हमारा स्केलिंग का कॉन्सेप्ट, रोटेशन का कॉन्सेप्ट और ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.